बाकी जी बच्चा बाल्टी इन्होंने तो खाधी है मैगी, कहते पहाड़ा की मैगी बहुत स्वाद होंगी है, ये दसीदा नहीं होंगे कहते पहाड़ा की मैगी बहुत स्वाद होंगी है। जिन्हें सियाने सियाने है वो सारे लगे खान परौंठे आलू वाले। मौसम तो विखाने मौसम अज केव जहा हो गया, इतने मेरे बदल ही बदल हुए हुए है, बहुत ज़्यादा बदलवाई हुई भी है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बारिश भी नहीं आ रही। एक प्लस पॉइंट आ साडे वास्ते ईजी है क्योंकि जो बारिश होने लग जाती है ना तो छोटे छोटे पत्थर के रूड़े वगैरह जोड़े वो रोन लग जाते हैं तो रास्ते के उत्ते तिलकन ज़्यादा फिसलन हो जाती है तो औखा हो जाता। बाकी ओवरऑल कोई इदा की गल नहीं, बहुत सोहना सफर रहा साडा सारे का, मिनी सेव मकैनिकल। बाकी खाने की क्वालिटी किमें लगी तुम बई होना तो पूछ सकते हैं, बई किमें लगा थोनों, मतलब इतने क्वालिटी ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे तुम जो दर्शन कर जा रहे हैं तो खाने एक वधिया डाइट मिल सकती है। इतने पहला गलती ना करो, मॉर्निंग कुछ हैवी ना खाओ, वापसी तो आते हुए थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं जिद अपने अंदर भी गर्मी नहीं पैंती, तो ईजली आप जी चढ़ाई है हौली हौली उतर जाने, तो बहाने एक रैसट हो जाती है वधिया, अराउंड ना अद्धे पौने घंटे की रैसट मिल जाती है क्योंकि बड़ी स्टीक आ चढ़ाई जी आप उतरनी है। भाई वीरां नूं सति श्री अकाल, अज आप पहुंचे सी जी हेमकुंड साहब ते वापसी ते आउंदे सी ते इधर मैनूं ना जिन्नियां वी दुकानां मिलियां उत्थे ना जिवें आपां कोई भी लेज कुरकरे भुजिया कुछ भी लैंदे आ जिहड़ी पाउच आउंदे आ 10 रुपए वाले जां 5 रुपए वाले ते उहनां जिवें मोटा ढड्ड फुल फुल्ले व्याहण पूरे टाइट अपने हिसाब दा कोई नहीं हुंदा। ते वीर जी होणा नाल गल होई वी इत्थे आक्सीजन घट होण दे कारण और नाइट्रोजन लेवल बढ़ने से ये फूल जाते हैं, और एक सैंपल मैं यहाँ से लेके भी आ रहा हूँ, देखते हैं गाड़ी में कैसे रहेगा अपने जाके यहाँ से 7-7.5 किलोमीटर नॉर्मल माहौल में। एक पैकेट दे दो, कोई भी दे दो, हमने तो जाके देखना है ये पिचकता है कैसे रहता है। लो जी बाकी दी वीडियो आप नाल ही करांगे, ये सारे जिन्हें एकड़ी जिन्या भी दुकाना पाइं सारिया ते बाई का खाना खुना बहुत वधिया सी जी। क्या नाम है आपका? मनोज है। अगर आप हेमकुंड साहब यात्रा पे आते हो तो इनके पास जरूर रुकना, अच्छी चाय और अच्छे परौंठे वगैरह बनाते हैं। सेंटर में है, अब जब गोविंद धाम से ऊपर हेमकुंड को जाओगे ना तो सेंटर में सबसे पहले इनका ही आएगा। मिडिल में होगी दुकान की स्टार्टिंग में मिडिल में। ठीक है जी ठीक है। तीसरे नंबर पे नीचे। ये पहचान कर लेना, ये सामने थोड़ा मास्क उतार दो, और दूसरा भाई वो भी होता है ना अगर आने वाले जरूर है। ये ऑल टाइम रहेंगे। हाँ तो कितना टाइम यहाँ रहते हो आप? जब तक यात्रा रही। जब तक जब आप आए हो उस टाइम इधर बर्फ पूरी थी? इस साल कम थी। अच्छा इस साल कम बर्फ थी, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, मेहरबानी आपकी खाना खिलाने के लिए। और एक पैकेट कोई भी आप दे दो, आप बताओ कौन सा वाला दे दो, कोई भी दे दो बस। नीचे जाके देखो क्या होता है। हाँ इसको बंद ही रखेंगे और देखेंगे क्या बनता है इसका। ये पूरा फटने जैसा हुआ, सारे दिखा देने शब्द ए, मेरे तो बगैर सारे जी 10 मेंबर। किवें भाई यात्रा? हाँ भाई करदे आ -2 डिग्री टेंपरेचर जी, मौजा ही मौजा। चलो अभी कहने आ परमात्मा हरेक नु ये यात्रा करवावे करवावे भी सफल। असि हुण वापसी ते आ ते ठीक है जी। लो जी एक ठीक है वीर जी धन्यवाद जी।
लो जी आपां पहुंच गए पिंड ते ओही पैकेट आई हवा तो वेखो विच हैगी आ पर ये जिहड़े अपने साइज दे नॉर्मल पैकेट होंदे आ उहदे वांगू ये हो गया। ये पैकेट लैके आंदा जी आपां हेमकुंड साहब तो पहला वीडियो च देख चुके हैं उत्थे जिन्ने भी पैकेट सी ना वो जो पूरे फटन ते आए हुए सी ते वीर उहनां नाल गल भी होई ते भी पैकेट असी गल कीती वड्डे नहीं लिआउंदे उहनां दे वड्डे तां नहीं लिआउंदे भी ये फट सकदे आ ते ये पैकेट भी उत्थे जिहड़ा 10 रुपए का है ते पहाड़ी एरिया होण करके कोई सर्विस उस हिसाब ते नहीं खचरां खुचरां ते जांदे आ रेट ते इहदा हो जांदा उत्थे डबल ये 20 रुपए का दिंदे आ जी। आ देखो तुसीं उही पैकेट आ जिहड़ा आपां उत्थों लैके आए आ इस वक्त जिहड़ा इहदा वजन हैगा ते विच जिहड़ी गैस हैगी आ उह प्रैशर उह घट गया उत्थे ऑक्सीजन की कमी होण दे करके नाइट्रोजन जिहड़ी उहनूं फुलावट जिहड़ी आ उह ज़्यादा कर दिंदी आ। जिन्ने भी पैकेट से सारे फुले फुले सी ते इत्थे अपने सहज च आ गए। इत्थे एक भी गल देखण योग है जी जे मान लो बंद पैकेट दे विच पई चीज़ ते असर है तां जिहड़ा अपना शरीर आ उहते की असर हुंदा होगा भी उत्ते ते बाकी यात्रा बहुत वधिया रही जी ते अपने कमेंट बॉक्स दे विच अपनी राय जरूर दिओ। धन्नवाद जी।